दरभंगा जिला में जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर किया गया वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण एवं पौधशाला सृजन पर हुई चर्चा। दरभंगा 2 फरवरी 2021 ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा फरवरी माह के प्रथम मंगलवार को द्वितीय जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पटना स्थित अधिवेशन भवन में पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका सीधा प्रसारण वेबसाइट के माध्यम से किया गया। अम्बेडकर सभागार दरभंगा के आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा राधेश्याम शाह, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम मौजूद रहे। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया सहित तमाम पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें, इस अवसर पर दरभंगा जिला मुख्यालय एवं जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में वृक्षारोपण किया गया। अंबेडकर भवन के समीप आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा राधेश्याम शाह द्वारा बोतल ब्रश एवं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा गुलमोहर का एवं उप विकास आयुक्त के द्वारा मोहगनी का वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर दरभंगा जिला मुख्यालय एवं सभी प्रखंड मुख्यालयों में सघन वृक्षारोपण एवं पौधशाला सृजन पर परिचर्चा भी की गई है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। देख सकते हैं कैसे यहाँ पर सभी लोग मीटिंग में भाग ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि दरभंगा में ही नहीं पूरे बिहार में नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह ये जल जीवन हरियाली चल रहा है। वो इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको जोर शोर से चलाया है पूरे बिहार में, और अब फिर से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो जल जीवन हरियाली को लेकर चल रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार खासकर जिस तरह से पौधों का वृक्षारोपण हो रहा है, ऐसे में जल्द ही लोग स्वस्थ हवा पूरे बिहार में ले सकेंगे। वृक्षारोपण के लिए देख सकते हैं सभी महिलाएँ जो हैं खासकर यहाँ उपस्थित हैं, प्रखंड के लोग उपस्थित थे और सभी प्रखंडों में ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर हुआ, पूरे बिहार में हुआ। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को करिएगा। लगातार भारत उदय समाचार सभी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते आ रहा है और देखिए पूरा कवरेज जगजीत के साथ। अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री के परिकल्पना से शुरू हुआ है, इसके तहत प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली के संबंधित गतिविधियाँ बृहद पैमाने पर होता है। आज सभी प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, आयुक्त महोदय के भी उपस्थिति में पौधशाला और पौधा सृजन के परिचर्चा और कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें पटना से जो कार्यक्रम हो रहा है वन विभाग के द्वारा, उसका भी सीधा प्रसारण हुआ है। वहाँ पर जो परिचर्चा हो रहा है उसको भी हम लोगों ने सुना और आगे की रणनीति में उसको हम लोग शामिल करेंगे और इस अभियान अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो उस पर हम लोग सभी लोग प्रयास। सरकार के निर्देशानुसार और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेन प्रायोरिटी है जल जीवन हरियाली, उसके अनुसार एक बिंदु है पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण, उसी पर आज जल जीवन हरियाली दिवस जो महीना के प्रथम मंगलवार को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें आज इस विषय बिंदु पर परिचर्चा की गई, जिसमें जो बिहार सरकार का कार्यक्रम है उसकी वेबकास्टिंग की गई एवं माननीय आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और हमारे सभी पदाधिकारियों के द्वारा इस विषय पर डिस्कशन किया गया, प्रोग्राम अरेंज किया गया और उसके बाद अभी हमने एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा है, जिसमें आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और जो हमारी जीविका की दीदियां हैं उनके द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी किया। प्रत्येक मंथ मंगलवार को इस पर एक कार्यक्रम होता है जल जीवन हरियाली पर, उस पर आज पौधारोपण का मेन कार्यक्रम था, परिचर्या हुआ और अभी हम लोग पौधारोपण किए।